Today we will see how to find square of any number just in 2 or 3 second. सबसे पहले हम देखते हैं 90 टू 180 तक के स्केयर. जैसे हमने 105 का स्केयर करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे 105 का जैसे स्केयर करना है तो 100 में से कितना ज़्यादा है नंबर. जैसे ये 105 है, 100 में से 5 ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है उतने ही हमें स्केयर कर देना है. जैसे 105 5 ज़्यादा है ना तो हमें इसका 5 ज़्यादा है तो 5 का स्केयर कर देना है. जैसे 25 और 25 को लिख लेना पीछे. आगे क्या लिखना है, जैसे 105 था ना तो 5 ज़्यादा था, जितना ज़्यादा था उतना ही ऐड कर देना है. 5 ज़्यादा था 100 में से तो 5 ऐड कर देना है तो 110 हो गया. वो 110 आगे लिख लेना है. बस ये इसका स्केयर है. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 98 का स्केयर करना है. 98 का स्केयर करना है, 100 में से कितना कम है, 2 कम है, जितना कम है उतने का स्केयर कर लेना है. जैसे 2 कम है तो 2 का स्केयर हो गया 0.4, ठीक है. और इसके आगे क्या लिखना है, जैसे 2 कम था तो उतना ही माइनस कर देना है. 2 कम था तो 2 माइनस कर दिया 96, और 96.04 इसका स्केयर हो जाएगा, ठीक है. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 108 का स्केयर करना है तो 100 में से कितना ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है तो 8 का स्केयर क्या होगा, 64 हो गया. तो 64 तो पीछे लिखना है, आगे क्या लिखना है, जैसे 108 था तो 100 में से कितना ज़्यादा था, 8 ज़्यादा था ना तो उतना ही ऐड कर देना है. तो 108 में 8 और ऐड कर देंगे तो 10116 हो जाएगा और 64 पीछे लग जाएगा. ये इसका 108 का स्केयर हो जाएगा. जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, 103 का स्केयर करना है. तो 3 का स्केयर करना है तो यहाँ 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है तो इसका 3 का स्केयर क्या होगा, 09 हो जाएगा. तो 09 पीछे लिख लेना है. और आगे क्या होगा, 103 है तो कितना ऐड होगा, 3 100 से ज़्यादा था ना तो उतना ही ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 106.09 इसका स्केयर हो जाएगा. तो ये था फर्स्ट केस. इसमें हम करते हैं 90 टू 180 तक का स्केयर. तो नेक्स्ट हम करेंगे 31 टू 79 तक का स्केयर. इसमें कंसेप्ट सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस. इसमें हम क्या करते हैं, वहाँ हमने 100 को बेस माना हुआ था, यहाँ हम 50 को बेस मानते हैं. जैसे 48 का स्केयर करना है हमें, 50 से कितना कम है, 2 कम है तो जितना कम है उतने का स्केयर कर लो, इसका स्केयर हो जाएगा 0.4, ठीक है. और जहाँ हम वहाँ 100 में से माइनस कर रहे थे ना, यहाँ हमने करना है 25 में से माइनस. जैसे 50 में से 2 कम है तो 2 कम है उसको 25 में से माइनस कर दो, 25 में से 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 23, और 23 आगे लिख लेना है और 0.4 पीछे लिख लेना है. ये 48 का स्केयर हो जाएगा. ऐसे हमने 56 का स्केयर करना है. 56 का स्केयर में क्या करेंगे, जैसे 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है तो 6 का स्केयर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना. तो ऐसे ही हम 50 से 6 ज़्यादा है ना तो उसको 25 से ऐड कर देंगे, जितना ज़्यादा है उसको 25 से ऐड कर देंगे, 31, तो 31.36 इसका स्केयर हो जाएगा. ऐसे ही हमने 43 का करना है. 43 का करना है तो ये 50 से कितना कम है, 7 कम है तो 7 का हम स्केयर करेंगे, 7 का स्केयर 49. और इधर हमने 7, 50 से 7 कम है ना तो 50 से 7 कम है तो उतना 25 में से माइनस कर देना है, 25 माइनस 7 ये हो जाएगा 18, तो 1849 इसका स्केयर हो जाएगा. ऐसे ही हमने 35 का स्केयर करना है. 35 का स्केयर करना है तो 50 से कितना कम है, 15 कम है, 15 कम है तो 15 का स्केयर क्या होगा, 225, ठीक है. और उतना ही 25 में से माइनस करना है तो 25 में से 50 में से 15 माइनस था उतना ही माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 10. तो ये 225 और 10 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2521 जी, ठीक है. तो ऐसे ही हमने 65 का स्केयर करना है. 65 का स्केयर करना है तो 65 का स्केयर करना है तो 50 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है तो 15 ज़्यादा है तो 15 का स्केयर होगा 225, और 50 से जितना ज़्यादा है उसको उतना ही 25 में से ऐड कर देंगे. तो 15 ज़्यादा था तो 15 ऐड कर देंगे 25 में से तो कितना हो जाएगा, 40, और ये 225
इसको ऐड करेंगे तो 42, 42 25 इसका स्क्वायर हो जाएगा।